2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसके आने से पूरा इंडियन सिनेमा हिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा होने वाला है कि इस फिल्म के सामने एक तो क्या पूरी 10 फिल्में भी नहीं टिकने वाली हैं। और इस फिल्म का नाम पुष्पा 2 होने वाला है जो कि 2024 में ही रिलीज होने वाली है। और पुष्पा 2 फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा सॉलिड है कि पब्लिक इसकी एक एक छोटी छोटी अपडेट के लिए तरस रही है। और पुष्पा 2 फिल्म से आने वाला एक एक सॉन्ग, एक एक अपडेट जो पूरे इंडियन सिनेमा की दुनिया पर छा जा रही है, क्योंकि अभी तक पुष्पा 2 फिल्म के दो ही सॉन्ग रिलीज हुए हैं जो कि पूरी सोशल मीडिया की दुनिया पर छाए हुए हैं। और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म जो कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और 15 अगस्त को ही पुष्पा 2 फिल्म के साथ पहले सिंघम अगेन फिल्म भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर सिंघम अगेन फिल्म के मेकर्स ने इस डेट को अपनी सिंघम अगेन फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि पुष्पा 2 भाव के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, जब सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्म जो पुष्पा 2 फिल्म के सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म जो पुष्पा 2 फिल्म के सामने रिलीज होने जा रही है, जो कि ना तो एक बहुत बड़ी फिल्म ही होने वाली है और ना इसी के साथ इस फिल्म का जरा सा भी हाइप है, और ये जॉनी ब्राह्म की फिल्म वेदा होने वाली है। और पहले ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने किसी कारणवश अपने इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया था। और अब जॉनी ब्राह्म की वेदा फिल्म जो कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, यानी जॉनी ब्राह्म जो सीधा पंगा ले रहे हैं पुष्पा भाऊ के साथ, और इस फिल्म के अंदर सरवरी के किरदार का नाम वेदा है, और इस फिल्म की कहानी में वेदा के किरदार के साथ बहुत बुरी घटनाएं होने वाली हैं जिसमें वेदा की जान भी जा सकती है। और इस फिल्म के अंदर जॉनी ब्राह्म जो वेदा की जान बचाने की कोशिश करने वाले हैं। और इससे पहले जॉनी ब्राह्म की वेदा फिल्म अक्षय कुमार की सरफिरा और कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 के साथ कलेश करने वाली थी, लेकिन फिर इस फिल्म के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया था, और जिसके बाद वेदा फिल्म जो दो फिल्मों के साथ कलेश करने से तो बच गई है, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ कलेश करने जा रही है, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा हाइप वाली फिल्म पुष्पा 2 जो कि 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। और ऐसे में जॉनी ब्राह्म जो पुष्पा 2 फिल्म के सामने अपनी वेदा फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन ये फैसला इस फिल्म के मेकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा गलत साबित होने वाला है, क्योंकि पुष्पा 2 फिल्म के सामने सिंघम अगेन जैसी फिल्म भी नहीं चल पाती, क्योंकि जब भी पुष्पा भाव आता तो वो पूरे इंडियन सिनेमा को अकेला ही खा जाता और सिंघम अगेन फिल्म को कोई भी नहीं देखने जाता। और अब ऐसा ही कुछ जॉनी ब्राह्म की वेदा फिल्म के साथ भी होने वाला है। लेकिन हम इसके एक और तरफ देखें तो कभी कभी बड़ी फिल्मों के साथ कलेश करने के बाद भी छोटी फिल्में जो अच्छा खासा कलेक्शन कर पाती हैं, जैसे सनी देओल की गदर 2 फिल्म के साथ ओएमजी 2 फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन गदर 2 फिल्म के साथ साथ ओएमजी 2 फिल्म ने भी अच्छा कलेक्शन किया था। और ऐसे ही एनिमल फिल्म के सामने सैम बहादुर फिल्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन एनिमल फिल्म के साथ साथ सैम बहादुर फिल्म ने भी अच्छा कलेक्शन किया था। लेकिन ये तब डिपेंड करता है जब आपकी फिल्म की स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पब्लिक जो आपकी फिल्म की स्टोरी देखेगी तो उसके बाद पब्लिक के द्वारा ही उस फिल्म की पब्लिसिटी होती है और फिर वो फिल्म भी अच्छा खासा कलेक्शन कर पाती है। लेकिन पुष्पा 2 फिल्म के सामने जॉनी ब्राह्म की फिल्म वेदा का चलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म जो पूरे एक हफ्ते तक वेदा फिल्म के लिए कोई भी सीट नहीं देने वाली है, क्योंकि पब्लिक अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म को दिन और रात देखने वाली है, क्योंकि पब्लिक इस फिल्म का आज से नहीं बल्कि पूरे 2 सालों से इंतजार कर रही है। तो 15 अगस्त को पुष्पा 2 फिल्म के लिए एक त्योहार होने वाला है, यानी जॉनी ब्राह्म की वेदा फिल्म जो पूरे एक हफ्ते तक नहीं चलने वाली है पुष्पा 2 फिल्म के रिलीज होने के बाद। और अगर जॉनी ब्राह्म की वेदा फिल्म की स्टोरी अच्छी खासी निकल जाती है तो फिर जॉनी ब्राह्म की वेदा फिल्म जो एक हफ्ते के बाद अच्छा खासा कलेक्शन करने लग जाएगी, लेकिन अपनी फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते तक वेदा फिल्म जो कुछ भी नहीं कमा पाएगी। तो अगर वेदा फिल्म के मेकर जो अपनी फिल्म को अभी भी बचाना चाहते हैं तो उन्हें पुष्पा 2 फिल्म के रिलीज डेट के आसपास से बहुत दूर तक भागना पड़ेगा, वरना पुष्पा भाव के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो अभी वेदा फिल्म के मेकर्स के पास काफी टाइम है अपनी वेदा फिल्म को बचाने का। तो आप लोगों की इस वीडियो के ऊपर क्या राय है कि क्या वेदा फिल्म के मेकर्स पुष्पा 2 फिल्म के सामने अपनी फिल्म को रिलीज करके एक सही डिसीजन ले रहे हैं अपनी फिल्म के लिए? आपकी इस पर जो भी राय हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिसके बाद वेदा फिल्म जो